स्क्रीन को टॉप पे जाने का प्रयास करती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन चलिए पॉइंट टेबल की तरफ चलते हैं। रेमिनेंट ईस्पोर्ट्स अभी के लिए और डबल डो पैटर, ये दोनों टीमें डबल आंकड़े को छू नहीं पाई है, डबल डिजिट में अपने आप को लेके नहीं जा पाई है। उनसे थोड़ा ऊपर टीम जीरो हाइटा ऑफिशियल देखने को मिलेगी, 10-17 अंक उनके पास रहेंगे। रेकमिंग ईस्पोर्ट्स 21 अंक, ओआर ईस्पोर्ट्स 22, 8bit के पास 24, TWM गेमिंग के पास आपको 25 देखने को मिलेगा। उतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है 28 से लेकर 25 के बीच में। और वहां से जब आप ऊपर आओगे Orango 10 गेमिंग 31 अंक के साथ देखने को मिल रही है, रेवल ईस्पोर्ट्स 32 के साथ, एक्सपाक आपको 34 के साथ, कैमिली ईस्पोर्ट्स 37 के साथ, और ऑटोवॉर्ड्स 38 के साथ, हिंदुस्तान गेमिंग 39 एंड गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स 40, यानी कि 40 से 31 9 अंकों का फर्क एंड आपको 24 से 17वां स्थान कभी भी मिल सकता है, 18वां स्थान। थोड़े और अंक लेके आओगे तो मेडल ईस्पोर्ट्स को पीछे करके आप और ज्यादा ऊपर जा सकते हो, 43 अंक यहाँ पे मेडल ईस्पोर्ट्स के पास है। तो आज का दिन जो है वो यहाँ पे 43 अंकों के साथ टीम बैठी हुई है, लेकिन 44 अंकों के साथ टॉप 16 के अंदर एंटिटी गेमिंग ने अपनी जगह बनाई है। ड्रैगन ईस्पोर्ट्स टॉप पे 104 अंक, टीम सोल 94, टीम तमिलास 80, एरोबॉट्स ईस्पोर्ट्स 79, X7 ऑफिशियल 74, टीम म्याओ 71, WSB गेमिंग 62, इन गॉड ईस्पोर्ट्स 54 पॉइंट्स, एड्रेस 45, ह्यूमन गेमिंग 44 एंड देन एंटिटी गेमिंग भी 44 टोटल पॉइंट्स। एंटिटी और ह्यूमन के बीच में बिल्कुल भी